जिगरों पर क्या पढ़ाया गया था? केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 3। ये तो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3। क्या क्या चल बोलो थे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कल, और हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में से ना चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ELECTR इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। हिंदी में विद्युत रसायन क्या क्या पढ़ लिया हमने? ऊपर पूरा ब्रीफ करवाया था स्टार्टिंग से लेकर तक, क्या क्या पढ़ते चले आए थे वो तो हमें पढ़ते पढ़ते ना ओम जी मेन के बाद में तो चालकता को पढ़ लिया। और तो बताया गया कि बेटे जो विद्युत चालकता हो ना उसका सूत्र सी बराबर वन को मान, ये तो बताया गया था कि विद्युत चालकता जो उसका सूत्र सी होगा सी बराबर वन को मान, कल हमने यहाँ पर पढ़ा था विद्युत चालकता, ठीक करेंगे लास्ट में विद्युत चालकता सी बराबर वन को मान। आज क्या पढ़ने वाले? आज हम क्या पढ़ने वाले? आज एक नई टर्म लेकर आए सेल कांस्टेंट।
सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ये हमारा सेल कांस्टेंट है, यानी एल बटे एक जगह सेल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। और ये तुम जानते हो वेक्टर माध्यम को, जहाँ एक बटा आर है वहाँ सी लिख सकते हैं, एक बटा आर है ना वहाँ सी लिख सकते हैं। और सी का नाम है विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, बार बार बोलने से याद हो जाएगा। तो बताओ जहाँ एल बटे लिख जाओ लिख सकते हो सेल का नाम, और जहाँ एक बटा आर लिख जाओ सी लिख सकते हो, और पापा के पास आ जाओ, पापा बराबर, पापा पापा बराबर एल बटे ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एल बटे ए सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक इनटू एक बटा आर भी है इसी में लिख सकते हैं विद्युत चालकता, विद्युत चालकता कंडक्टिविटी। ठीक वो दिखा देंगे बाद में। तो पापा बराबर सेल स्थिरांक गुणा विद्युत चालकता, एक तो सूत्र आ गया। कौन कौन से सूत्र इसमें याद रखने, कौन कौन से जुमान पर अटल हैं, एक तो पूरा ही होना चाहिए सारा सारा। और ये पहले वाला सूत्र ये भी पता होना चाहिए। और देखो मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ, आया समझ में, इसके बाद याद हो जाइए ये सारे सूत्र हैं। पापा बराबर ये एल अपॉन आर ए याद होना चाहिए। तो फिर बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं बचा, सब याद होना चाहिए। भाई ऐसे नहीं लिखा था ना इसके ऊपर, इसके ऊपर भी ऐसे लिख दिया तो उसके ऊपर भी ऐसे लिख दिया, यानी दोनों सूत्र याद हो गए, ये वाला भी वो भी वाला भी, ये दोनों सूत्र तुम्हारी दिमाग में रखते हुए। पापा बराबर एक बटा हो, पापा बराबर एक बटा रो, यहाँ क्या लिखा हुआ, पापा बराबर एल अपॉन आर ए, यानी लिखा हुआ पापा बराबर सेल स्थिरांक गुणा विद्युत चालकता। और विशिष्ट प्रतिचालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, सुनो यहाँ ध्यान, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये लिखना स्केटिंग है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे पापा से प्रदर्शित करते हैं, पापा बराबर एक बटा रो, रो का मान यहाँ लिखेंगे, रो बराबर आर ए अपॉन आर ए, जब हम किसी पदार्थ की विपद किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी तो उसकी विशिष्ट चालकता किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो विशिष्ट चालकता क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर बताओ ये बढ़ा देंगे तो घट नहीं जाएगा। तो इसलिए बात की बात क्या रखना कि विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घट जाएगी, अब इसे घटाने को बढ़ जाएगी। ऐसे में किसी चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो विशिष्ट चालकता ही बढ़ जाएगी, किसी चालक का प्रतिरोध घटाओगे तो विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी। ऐसे में किसी चालक का प्रतिरोध अच्छे पर घटाया ना तो विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी, तो इन्हें बढ़ाएंगे तो घट जाएंगे, इन्हें घटाएंगे तो बढ़ जाएंगे। और हम जरा सामने वाले जो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, सामने वाले ये हो किसी भी सूत्र में पता लग जाएगा। क्या क्या बताएगा तो दिक्कत यहाँ तक विशिष्ट चालक का सूत्र याद रहेगा, एक बार के बराबर आपका बराबर एक ओवर कौन हो, इसमें क्या लिखोगे, इसमें विशिष्ट चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के विद्युत को विशिष्ट चालक कहते हैं, इसे पापा से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र पापा बराबर बंद कौन हो, फिर वहाँ लोग का मान ना करो आंसर करके यहाँ चुकी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये भी काम आंसर करते हैं। यहाँ कभी किसी वाले दे सकते एक पदार्थ की विद्युत एक विद्युत बटे चालक की विद्युत चालकता फलाना है, कुछ भी दे सकता है चालकता से सारे तरह का मान देगा, तुम लोग अभी इसे चलता निकालो तो सूत्र काम आ गए, वहाँ से लग जाएगा ये सूत्र में ये चल के लंबाई देगा प्रतिरोध का अच्छे से देगा, ज्यादा विशिष्ट चल कर निकालो तो ये सूत्र काम होगा। किसी चल किसी पदार्थ वाले को अगर रो का मान दे देगा अगर इस पदार्थ की विशिष्ट चलता है तो उसकी विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध इतना तो विशिष्ट चलता निकालो तो ये सूत्र काम होगा, एक दो तीन तीनों सूत्र काम होगा, पता लग गया। यहाँ परिभाषा लिख लो इसकी, कुछ लिख लो फिर, अब इसके मात्रा बहुत मेन चीज है, जो पापा ने पापा पापा मतलब विशिष्ट चालकता, इसको मात्रा ही लिखो, मात्रा तो मुझे क्या कहते हैं यूनिट, अच्छा विमा भी निकाल लेंगे इसमें, विमा भौतिक राशि में निकलेगा, आया समझ में, विमा किस लिए करेगी भौतिक राशि में, अब देखो उसका मात्रा क्या रखा है, इसकी मात्रा नहीं करना है इसको, यू बताओ इसका सूत्र क्या हो, एक बटा नौ ही तो हो, अब बताओ एक बटा जो रो हो रो रो करने से मात्रा नहीं करता उसके बाद एक और लिखा अगर मैंने मात्र एक बटा मोह मोली बात है
विद्युत चालकता का निर्णय है, इसका प्रतिरोध तो हम इनको भी करना है। विद्युत चालकता का लिखवाया था कितना लिखवाया था? मोह। विशिष्ट प्रतिरोध का निर्णय उससे निकल जाएगा कि एक मात्रक तो होगा इसका। देखो एक मात्रक तो हुआ पहले मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दूसरा मात्रक लिखा रहा हूँ मोहो इनवर्स मोहो इनवर्स, तीसरा मात्रक को सीमेंस क्या हो सीमेंस सीमेंस मीटर इनवर्स नोट करो इसे नंबर लिखे दिया ना लिखा पाके मानो इसे पहचान किसी नीचे लिखा दिख जा ये लिखा हुआ दिख जा ये वाला लिखा हुआ दिख जा तो समझ जाओ पापा का मान होगा बेसिक चार्ज का बनेगा जो मुंह में डाला बोलते हैं
conductivity. EQ, U, EQU, AL, ENT, equivalent conductivity. कूलर की चालकता, ठीक? कूलर की चालकता का जो प्रदर्शित करने का तरीका ना, ना देख लो, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, उसके सापेक्ष में देते हैं E, नहीं देते Q, equivalent conductivity है, EQ. अभी विद्युत लैम्ब की चालकता होगा किसकी हो? विद्युत भट्टी, किसकी? किसी विद्युत भट्टी की जो लैम्ब की चालकता होगा ना, वो बराबर होगी हमेशा. अभी तुम बताओ, थोड़ी पहले मैंने पापा का नाम बताया था. पापा का नाम क्या बताया था? विशिष्ट आयतन. अभी क्या है? बी लैम्ब का आयतन. बी लैम्ब का किसी विद्युत भट्टी की तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता और विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है. देखो सर, देखो सर, जो बताया था बिल्कुल. किसी विद्युत विद्युत भट्टी की तुल्यांक की चालकता है, देखो. किसी विद्युत भट्टी की तुल्यांक की चालकता, किसी विद्युत भट्टी की तुल्यांक की चालकता विद्युत भट्टी चालक की विशिष्ट चालकता, किसी विद्युत भट्टी की तुल्यांक की चालकता वाला कोमा लगा देना. विद्युत भट्टी की विशिष्ट चालकता तथा विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है. विद्युत भट्टी की विशिष्ट चालकता तथा विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है.
सीमेंस समोदर पदार्थी सीमेंस मीटर इनवर्स सेंटीमीटर की क्यूब इस तीन मात्रा के यूनिट्स के ये फोर मात्रा का इसका इन सब की जगह हम इंडिया लिख सकते ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ई क्यू ये लिख सकते हैं इन सबको नाम लिखते हैं लिख सकते ग्राम इक्विवेलेंट ई क्यू ये वाला मात्रा के लिए इसकी ही मुझे तलाश थी क्योंकि इसका ही मेरे पास सवाल आना आने वाला ये और ये लिखने सारे मात्र लिखने तुमने वाले मात ये यहाँ से सूत्र ले ले दोनों सूत्र याद इसमें नोर मंत्र आओ नीचे अगर यहाँ नीचे मोलर था जाने से सूत्र में कोई बन जाएगा तो यहाँ नीचे चलो छोड़ दो मोलर चल रखा मोलर चल रखा अब अगली हेडिंग मैं मानू भाई हेडिंग मानो मोलर चल रखा ये पढ़ लिए ये मेन चीज है स्ट्रक्चर की मोलर चल रखा मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता मोलर एम ओ एल ए और मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता ठीक पता लगे क्या नाम मोलर चालकता और जो उसको हम लैम्डा इक्वल टू प्रोसेस करते हैं इसे पता कहां से प्रोसेस करते हैं लैम्डा लिखा इसके सापेक्ष में एम लिख देंगे एम को मतलब मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता मोलर चालकता बराबर कितना का सूत्र होगा मोलर चालकता बराबर सूत्र होगा पापा इनटू वी सेम सूत्र है पापा इनटू वी ऐसे लिखेंगे क्या ऐसे लिखेंगे इसी विधि तो भट्टी मोलर चालकता इसी विधि तो भट्टी मोलर चालकता यहाँ से ऐसे विधि तो भट्टी विशेष चालकता तो तब ये क्या है तो दोनों के गुणन को विधि तो भट्टी मोलर चालकता रहते हैं फिर अंतर क्या होगा अंतर ही होगा जो दूसरे वाले सूत्र को है यहाँ लिखा दूंगा लैम्डा और यहाँ लिखा दूंगा एम बराबर यहाँ लिखा दूंगा पापा इंटू यहाँ लिखेंगे एक हजार एक हजार तो वहाँ सूत्रों को पता नीचे क्या है एन यहाँ लगा एन एम मतलब मोलर का वहाँ तो मोटर मतलब हैंडल मोलर का इसलिए जब यहाँ मोलर का जाएगी इसलिए उसका नाम मोलर चालक था जब नीचे नीचे सूत्रों मोलर का जाएगी ना उसका नाम मोलर चालक था मोलर चालक था याद रहे बात है यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आएगा एक काम करो इसी पहले पता कैसे लिखोगे जो बोल रहा हूँ उसे लिखो विद्युत तो भट्टी में मोलर चालकता किसी विद्युत तो भट्टी में मोलर चालकता किसी विद्युत तो भट्टी में मोलर चालकता किसी विद्युत तो भट्टी की मोलर चालकता विद्युत तो भट्टी की विशिष्ट चालकता विद्युत भट्टी की विशिष्ट चालकता तथा बीजन का आयतन तथा बीजन का आयतन दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं
दोनों गुण मिल गए बराबर हो गए। इन्हें हम सूत्र लिखो नीचे पहले वाला और दूसरा वाला दोनों सूत्र लिखते हैं। पहले वाला सूत्र लिखो और दूसरा वाला सूत्र दोनों लिखो। दिल्ली के पास ही बस गाड़ी है, दो बजे बैठ के दो बजे
कॉलेज पास रेट से चलो। सुन लो अब हम करने वाले पड़ी गए कभी फिर नहीं कभी नहीं कभी स्टार्ट।